भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एपी अब्दुल्ला कुटीके ने रविवार को यहां कहा है कि कांग्रेस नेता सचिन पायलट अच्छे नेता हैं और वह अपने कुछ साथियों की तरह जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अब्दुल्ला कुटी ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब कांग्रेस में सचिन पायलट का खेमा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से नाराज चल रहा है। पिछले साल पायलट ने बगावत कर दी थी और उसके बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मना लिया था। वहीं अब्दुल्ला कुटी ने यहां मीडिया कर्मियों से कहा है कि सचिन पायलट अच्छे नेता हैं। मेरा ऐसा मानना है कि वह भी भविष्य में जल्द ही भाजपा में शामिल होंगे। अब्दुल्ला कुटी यहां भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रवेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होने आए थे। पायलट के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तब भी लगी थी जब एक साल पहले उनके नेतृत्व में कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए थे। हालांकि पायलट ने इस तरह की किसी भी संभावना को खुद सिरे से खारिज किया है। इस साल जून में भाजपा नेता रीता भगुना जोशी ने कहा था कि उन्होंने कथित तौर पर नाराज चल रहे कांग्रेस नेता से भाजपा में शामिल होने के बारे में बात की थी। इस पर तंज कसते हुए पायलट ने कहा था कि हो सकता है कि भाजपा की नेता ने सचिन तेंदुलकर से बात की हो और भगुना और उनसे बात करने की हिम्मत नहीं है। वहीं बता दें कि सचिन पायलट पार्टी से पिछले कई महीनों से नाराज चल रहे हैं और अभी तक राजस्थान में मचा सियासी घमासा शांत नहीं हो सका है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।